हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं अनिल आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि डिस्पेयरिंग मैसेज क्या है, तो आपको बता दूं कि ये एक तरह का फीचर है जो कि व्हाट्सएप में लॉन्च होने वाला है। गाइस, अगर ये फीचर व्हाट्सएप में आता है तो ये बहुत ही कमाल का फीचर होने वाला है, क्योंकि प्राइवेसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उन सभी के लिए जो लोग व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये फीचर्स क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। गाइस, मान लीजिए आपको कोई फ्रेंड है और वो आपको मैसेज भेजता है, और व्हाट्सएप में ये फीचर आने के बाद वो मैसेज अपने आप, अगर आप उस मैसेज को पढ़ लेते हैं तो भी, और नहीं पढ़ते हैं तो भी, वो मैसेज अपने आप 7 दिन में डिलीट हो जाएगा। जी हाँ गाइस, ये फीचर्स लॉन्च होने के बाद व्हाट्सएप में 7 दिन के अंदर वो मैसेज ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, आप भले मैसेज पढ़ें या फिर ना पढ़ें। ये व्हाट्सएप में प्राइवेसी के लिए बनाया गया है, ताकि आप लोगों की जो लोग भी व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं उन सबकी प्राइवेसी को देखते हुए बनाया गया है, क्योंकि आजकल आपको तो पता ही है कि व्हाट्सएप पर चैट वगैरह कितनी लीक हो रही हैं। और जब भी ये फीचर्स व्हाट्सएप पे लॉन्च होगा गाइस, इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा जो वाया ऐप्स है, जैसे टेलीग्राम है, मैसेंजर है, इन सब में अगर भी ये फीचर्स आ जाए तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि जो चैट लीक होने का रिस्क है वो कम हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्पेयरिंग मैसेज क्या है और ये व्हाट्सएप में कब आने वाला है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव ए गुड डे।